आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वंदे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। 15 दिसंबर को प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेगी। 16 दिसंबर को सरकार के आदेशों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। 16 दिसंबर को सरकार के आदेशों के खिलाफ पूरे प्रदेश के शिक्षक संचालक पालक यादगार ए शाहजानी पार्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। सभी शिक्षक मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल के शाहजानी पार्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार के आदेशों के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन ठप करने की बात शिक्षक कह रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो क्लासेस हैं वो शुरू की जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता संजय डोंगर दिवे जुड़ गए हैं। संजय, ऑनलाइन क्लासेस अब ठप करने की बात कर रहे हैं स्कूल संचालक और शिक्षक, और साथ ही जो सरकार ने आदेश दिए थे उसका भी अब विरोध देखने को मिल रहा है, क्या आपको ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल अमनदीप, अगर जिस प्रकार से देखा जाए काफी समय हो गया है स्कूल संचालकों का, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल के जो संचालक है उनका एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल के जो संचालक है उनका हिसाब कहना है कि काफी समय हो गया है, स्कूल खुल नहीं रही है, जिसके कारण ना शिक्षकों को हम पेमेंट दे पा रहे हैं, कई शिक्षक है जिसके कारण आज बेरोजगार हो गए हैं इसी को लेकर, और ना ही स्कूल का मेंटेनेंस हो पा रहा है और ना ही बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक से हो पा रही है। अगर इसी से देखा जाए तो स्कूल एसोसिएशन ने साफ कहा है कि सरकार ने, क्योंकि एक पहली से आठवीं तक के जो स्कूल है 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए हैं और नवीं से बारहवीं तक के स्कूलों में भी, वो भी परिवारजनों के परमिशन पे स्कूल खोलने की, स्कूल में छात्रों को आने की बात कही है। तो इसी पे सारा चीज देखी, सभी चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्कूल जो है, स्कूल में काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, पढ़ाई में नुकसान देखने को मिल रहा है, शिक्षकों के साथ नुकसान देखने को मिल रहा है। तो स्कूल एसोसिएशन का ये कहना है, प्राइवेट स्कूल का ये कहना है, एसोसिएशन का ये कहना है कि अगर सरकार अपना आदेश वापस नहीं लेती है तो 15 तारीख के बाद अब ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है वो भी बंद कर दी जाएगी और सरकार मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि वह जल्द से जल्द स्कूल प्राइवेट स्कूल खोलने की और स्कूल खोलने की परमिशन दी जाए, जिससे छात्रों का भी भविष्य अब अंधकार में ना जाए और छात्रों की पढ़ाई भी हो सके और स्कूल प्रशासन के साथ न्याय मिल सके। वहीं अगर शिक्षकों की बात कर ली जाए तो शिक्षकों का भी यही कहना है कि अगर जिस प्रकार से कोविड की बात आ रही है तो कोविड के चलते हुए जो सुरक्षा की दृष्टि रखी जाए उसके रखते हुए स्कूलों को संचालन करने का मौका दिया जाए, अगर कोविड में अगर इसके बाद भी अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए पूरी सुरक्षा रखी जाएगी, अगर नहीं होती है तो स्कूल नियंत्रण चालू रखा जाएगा, तो जिससे सरकार स्कूलों में भी और छात्रों को भी काफी फायदा मिल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल एसोसिएशन अब सरकार के आदेश के विरोध में अब सड़कों पर निकलने के लिए पूरी तैयारी कर लिया है और 15 तारीख को स्कूल एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल के जितने भी लोग हैं वो सब शाहजानी पार्क में धरना देंगे और सरकार के लिए एक आफत खड़ी करने की बात कह रहे हैं। जी संजय, सवाल कई दिनों से उठ रहे थे कि बाकी आयोजन पहले की तरह शुरू हो चुके हैं, सिर्फ जो क्लासेस हैं स्कूल जो है वो पहले की तरह से संचालित नहीं किए जा रहे, इसको लेकर सवाल काफी पहले से उठने शुरू हो गए थे, पर अब यहाँ पर स्कूल संचालक और शिक्षकों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। क्या लगता है कि अब ये जो हम इतने दिनों से आक्रोश देख रहे थे, क्या लगता है कि अब ये शांत हो सकता है, जो मामला है उसको लेकर किसी ना किसी तरह का हल निकाला जाएगा सरकार द्वारा? बिल्कुल अमनदीप, अगर देखा जाए जिस प्रकार से, अगर स्कूलों की ही बात नहीं, कई पेरेंट्स लोग भी ये चाहते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है। संजय, आपको रोकना चाहूंगी, अजीत सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि स्कूल संचालक हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी सर, स्कूल संचालकों द्वारा अब प्रदर्शन किया जाएगा शाहजानी पार्क में, मैं चाहूंगी आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हमारे स्कूलों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जी, हम स्कूल चलाते हैं तो केवल हमें ट्यूशन फीस जो मिलती है उसी से हमारी पूरी व्यवस्था चलती है। जी, और विगत 10 माह से हमारे स्कूल पूरी तरह से बंद है, फीस नहीं आ रही है और हमारे खर्चे जैसे थे वैसे ही है बल्कि बढ़ गए हैं। जैसे हमारा बिजली का बिल उतना आ रहा है स्कूल बंद होने के बाद भी, नगर निगम का टैक्स वही आ रहा है स्कूल बंद होने के बाद भी, हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं हमारे टीचर का खर्चा आ रहा है वही आ रहा है, और हमारे जितने भी हमारे जो लोन थे पूरी EMI वही आ रही है। मतलब सबसे परेशान अगर कोई है और किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वह है स्कूल वर्ग।
जब मॉल खोल दिए गए, पिक्चर हॉल खोल दी गई, पूरे सब कुछ खोल दिया गया, पूरी मार्केट खोल दी गई, चुनाव भी हो गए, अगर बंद है तो विद्यालय है। पर अजीत जी, हाईकोर्ट का आदेश था ट्यूशन फीस लेने का, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी स्कूल संचालक ट्यूशन फीस ले रहे हैं, और अगर कोरोना काल का असर आप लोगों पर है तो वो आम जनता पर भी है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। बिल्कुल है जी, हाईकोर्ट का आदेश था ट्यूशन फीस लेने का, लेकिन पेरेंट्स फीस जमा नहीं कर रहे, एकदम नहीं कर रहे, 10% भी फीस जमा नहीं हुई है अभी हम लोगों की। हमारी कोरोना है, कोरोना से सब परेशान है, ये महामारी है, इसको हम भी समझ रहे हैं और हम भी झेल रहे हैं इसको, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को इतना ध्यान तो देना चाहिए, हमारा जो पैसा आरटी का पैसा मध्य प्रदेश। अजीत जी, इस तरह के कई स्कूल से मामले सामने आए जहां पर सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, पूरी फीस वसूली जा रही थी, और कहीं पर ऑनलाइन भी फीस ली जा रही थी। अगर ऐसे मामले आए हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। पर अजीत जी, आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देना ये किसी तरह का मतलब समस्या का निराकरण है? क्योंकि देखिए, अगर ऑनलाइन क्लासेस बंद होती हैं और सरकार ने जो वक्त दिया है उसमें काफी ज्यादा अभी वक्त है स्कूल खोलने में, जो अभी डेट डिसाइड की गई है, इसमें तो बच्चों का ही नुकसान है, पढ़ाई का ही नुकसान है। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे, सरकार को अभी विचार करने में और निर्णय लेने में वक्त लगेगा, तो ऐसे में जो एक तरह से हम कहते हैं कि परेशानी का जो सामना है वो बच्चों को ही करना पड़ेगा। बच्चे और स्कूल दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लास बंद होने से बच्चों का नुकसान होगा, वही बात तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो कम से कम जो हमारा जो पैसा सरकार के पास है आरटी की फीस 3 साल की हमारी नहीं मिल रही है, तो सरकार को कम से कम हमारा पैसा तो दे देना चाहिए जिससे अपना स्कूल चलाए, अपने शिक्षकों का वेतन दें। आप ये सोचिए कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो बिना वेतन कैसे काम करेंगे, हमारे पास कोई साधन ही नहीं है आय का। तो अजीत जी, आपने स्कूल खोलने की मांग की है, इसके अलावा भी क्या स्कूल संचालक और जो शिक्षक हैं उनकी कुछ और भी मांगे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारी कोई अलग से कुछ मांग नहीं, हम स्कूल खोलने की मांग वो भी एसओपी के अंतर्गत ही कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि 10 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाए और बच्चे को कोरोना जैसी कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर उसमें क्या होगा। हम स्कूल खोलने की मांग का हमारा औचित्य बस यही है कि कम से कम सरकार हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है जी, वो हमसे अलग अलग, जैसे अभी नया एक आदेश आ गया था कि 40,000 की एफडी बनवानी है, शिक्षा विभाग का नया आदेश, हम अपने स्कूल का किरायानामा बनवाने जाते हैं तो उसमें लगता है हमारा कम से कम 5 साल किरायानामा 1 लाख रुपए का, तो आप हमें यहाँ तो थोड़ी सी डिबेट करिए, हम कहाँ से सब करेंगे जब सब कुछ बंद है। सबको मालूम है पूरा हिंदुस्तान कम से कम 10 साल पीछे हो गया इस कोरोना से, तो हम स्कूल बंद करके आगे कहाँ से हो गए। ठीक है अजीत जी, यहाँ पहले आपने जिक्र किया कि ऑनलाइन क्लासेस में अलग से भी काफी ज्यादा खर्चे आते हैं, जैसे कि आपने बिजली के बिल का यहाँ पर जिक्र किया, तो कई सारे हम लोगों ने ऐसा भी देखी खबर सामने आई थी जहां पर स्कूल संचालक ऑनलाइन जो क्लासेस है उसकी अलग से फीस वसूल रहे थे ट्यूशन फीस के अलावा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वे वाकई में सही है? नहीं, जो ऐसा, हम तो अभी पहले बोले ना, जो ऐसा कर रहा है जी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अवैध वसूली कोई हम भी करें तो गलत है और हमारे साथ कोई गलत करे तो भी गलत है। ठीक है संजय, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? बिल्कुल अमरदीप, अगर मैं तो वैसे यही पूछना चाह रहा था अजीत सिंह जी से कि अजीत सिंह जी, जिस प्रकार से आप मांग कर रहे हैं कि आपका जो पैसा अटकाया हुआ है या सरकार ने आपका कितने समय से पैसा नहीं दिया है, तो इस पैसे के बाद अगर आपको पैसा मिलता है तो क्या आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी और स्कूल आप जैसे ऑनलाइन करते हैं वैसे कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, हमारे पैसा मिल जाए तो उससे अपना स्कूल तो कम से कम चलाएं। हम टीचर की सैलरी तो दें, बताइए कि करीब 10 लाख टीचर हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप खुद ये सोचिए क्या वो परिवार बेरोजगार हो जाए। ठीक है अजीत जी, देखिए प्रोटेस्ट करना या विरोध करना, प्रदर्शन करना, ये हमको लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है, पर सरकार की आपने यहाँ पर खामियां बताई, सरकार की खामियों का जो भुगतान है आपको नहीं लगता कि शिक्षक जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो भुगतेंगे इसको लेकर? हम एकदम नहीं चाह रहे हैं कि धरना हो, प्रदर्शन हो, ऑनलाइन क्लास बंद हो, सरकार सब व्यवस्था अपनी करती जा रही है, चुनाव हुआ, चुनाव करा ली, सरकार बना ली, लेकिन इसी लोकतंत्र का यही तो तरीका है जिसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, सरकार आज बोल दे कि हम आपका पैसा दे रहे हैं सप्ताह में, हम खत्म कर देंगे सब कुछ। ठीक है
चलिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए अजीत जी बहुत धन्यवाद आपका। और संवाददाता हमारे साथ में संजय डोंगर दिवे भी जुड़े हुए थे। संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।